आज मैं बना रही हूँ दही भल्ले, एकदम ठेले वाले जैसे, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम जालीदार। वैसे ही हम घर पर बना के तैयार करेंगे। इनको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं एकदम सॉफ्ट और नरम दही भल्ले बनाने की। बहुत ही बढ़िया बने हैं ये, देखिए एकदम सॉफ्ट बने हैं और अंदर से एकदम जालीदार बने हैं। अब गर्मियों के दिन आने वाले हैं, तो गर्मियों में ये ऐसी चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगती है, और इसे आप एक बार में ही एकदम परफेक्ट दही भल्ले बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ली है उड़द की दाल, ये धुली हुई उड़द की दाल है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। ये बहुत अच्छे से भीगी हुई है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे, और मिक्सर जार में डालने के बाद इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही पीसेंगे। अगर ज़रूरत पड़े बिल्कुल 1 चम्मच पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हम एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बना है इसका, बिल्कुल भी इसमें कोई दरदरा नहीं है, बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट की तरह इसे तैयार करना है। इसमें मैंने केवल इसी चम्मच से 1 चम्मच पानी डाला था। ओके, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है और इतना गाढ़ा बना है ये। इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे तो ये गीला हो जाएगा। मैंने सारी दाल को पीस के इस तरह से तैयार कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद इस तरह से विस्कर से इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। ये बहुत ही लाइट हो जाता है जब हम इसको फेंटेंगे। अभी ये देखिए बहुत भारी है, ये 5-6 मिनट बाद इस तरह से हो जाएगा, एकदम लाइट वेट हो जाएगा और एकदम फुला फुला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एकदम क्रीमी हो गया है और बहुत ही हल्का हो गया है ये। इसके अंदर हवा भर जाती है तो ये एकदम बढ़िया दही भल्ले हमारे बनेंगे। तभी हमारे दही भल्ले एकदम जाली वाले बनेंगे। तो हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देते हैं, और 15 मिनट बाद फिर हम इसे हाथों से फेंटेंगे अच्छे से। 3-4 मिनट में के लिए बहुत बढ़िया तरीके से फेंटेंगे इसे। ये देखिए इस तरह से एकदम बॉल जैसी बन रही है इसकी, तो ये परफेक्ट है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने इधर अच्छे से तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में। तेल बहुत बढ़िया सा गरम हो जाना चाहिए एकदम। उसके बाद क्या करेंगे, हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें हम पानी लगाएंगे हाथों में, और इस बैटर को पकड़ेंगे और इसे हम इस तरह से तेल में डालते रहेंगे। और इस तरह से हम जितने एक बार में कढ़ाई में आते हैं इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बॉल की तरह जा रहे हैं। हमने हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा रखा है, इसीलिए एकदम गोल गोल बन रहे हैं। और इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। अगर लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो इनके अंदर तेल भर जाएगा। अगर एकदम हाई फ्लेम में करेंगे तो ये बाहर से क्रंची हो जाएंगे, अंदर तक अच्छे से नहीं पकेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है, और इन्हें हमें उलट पुलट के दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से एक जाली में, और इसी तरह से सारे दही वाले हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पकौड़े जैसे बन के तैयार हो गए हैं ये। और अब हम लेते हैं एक बर्तन, इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। गर्म पानी में हम इन दही वालों को डाल देंगे इस तरह से, और 5 मिनट तक इनको ऐसे ही छोड़ देंगे पानी में। गर्म पानी में डालें, और तब डालें इनको जब ये ठंडे हो जाएंगे। अगर हम गर्म डालेंगे तो ये फिर भी थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे, अगर ठंडे होने के बाद डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको इस तरह से इनका पानी सारा हाथों से निचोड़ लेंगे और इन्हें हम प्लेट में रख लेंगे। इस तरह से देखिए पानी सारा निचोड़ने के बाद ये एकदम गोल बने हैं और वापस ये अपनी शेप ले ले रहे हैं, एकदम गोल बन जा रहे हैं। और ये सारे मैंने पानी निचोड़ के इन्हें अलग कर दिया है। ये देख सकते हैं कितना एकदम से दब रहा है और उसके बाद एकदम फूल जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। और चलिए अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए मैंने पहले इसकी दही को रखा था, इसमें मैंने मीठा डाल के चीनी डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद इसको मैंने ये देखिए बाजार की जैसी प्लेट ले ली है, एकदम ठेले वाले की जैसी। और इसमें हम इस तरह से पहले रखेंगे पकौड़ों को, ये बड़ों को। और बड़ों को रखने के बाद हम इन्हें इस तरह से गोल करके रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये दही, मीठा वाला दही लिया था जो हमने बना के, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा हो गया था। और अब हम इसको इस तरह से दही डालेंगे, और अब हम ये धनिया पुदीने की हरी चटनी डालेंगे इसके ऊपर।
ये देखिए दोनों में इसी तरह से सारी चीज़ें डालते रहेंगे। इसमें हम डालेंगे अब इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए इस तरह से दोनों में हम इस तरह से डाल देते हैं जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा इसको। इसके लिए हमने लिए हैं मसाले, लाल मिर्ची पाउडर लिया है और भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और काला नमक लिया है। ये जीरे को मैंने भून लिया था, उसके बाद इसका पाउडर बना लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और ये फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया देगा इसको। इस तरह से ये देखिए लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और एक एक मैंने इसके ऊपर पुदीने की पत्ती लगा दी है गार्निशिंग के लिए और दिखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये देखिए। और खाने में इसका टेस्ट तो आप बहुत ही बढ़िया है, आप भूल लोगे नहीं। 3-4 दिन तक इसका टेस्ट है, एक बार इन्हें बना के खाओगे तो आपको बाजार से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा घर में बनाना पसंद करोगे। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, इसको तोड़ते हैं ये देखिए अंदर से एकदम जालीदार बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं। वीडियो तो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।